हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ सब्जेक्ट SST नेमिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंसल्ट अबाउट द लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, दैट इज द पीपल्स लिविंग इन नॉर्दर्न द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न प्लेस स्पेंड देयर लाइफ एंड वाट इज द काइंड ऑफ स्पेंडिंग ऑफ देयर लाइफ, वाट आर देयर ऑक्यूपेशंस एंड how do they live in this region. These all contents is in this video, and in former video I have told you about the river basins in northern plains, that is the Ganga river basins and the Brahmaputra river basin, the Satluj river basin we have consulted in former video, and I have told you also that in former video the crops grown in the specific basins, particular basins, and the state that is covered by these basins, these all matters have been studied. And our today's topic is life in the northern plains. So let's start. पिछले वीडियो में हम आपको कुछ रिवर बेसिन्स के विषय में, जो थ्री रिवर बेसिन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन और सतलज रिवर बेसिन, इसके बारे में हम जो है, तो यहाँ पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में रहने वाले लोगों के लाइफ के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में जो है कंसल्टेशन की जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स में रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता है। वहाँ पर रहने वाले लोग मुख्य रूप से एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं। दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स सच एज वीट, शुगर केन, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। वहाँ पर रहने वाले लोग यानी वे लोग जो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, ये लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, शुगर केन यानी गन्ना, कपास इत्यादि, और सब्जियां और फ्रूट। तो यहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है वीट, शुगर केन, राइस, पल्सेस में दालें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फार्मर हियर यूज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, यहाँ पर यहाँ के जो फार्मर होते हैं किसान, वो खेती की जो अत्याधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीकी मॉडर्न टेक्निक, उसका यूज करते हैं। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, और जो फार्मर हैं वो भी मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं, तो इसी कारण यहाँ पर जो है काफ़ी भारी मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट विच आर सोर्सेज ऑफ लेवलीहुड ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प, हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें भी जो है लोगों के लिवलीहुड का, लोगों के जीवन निर्वाह का एक माध्यम है। देयर आर मैनी फेमस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट सच एज गोल्डन टेम्पल इन पंजाब, कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी एट्सेट्रा इन उत्तर प्रदेश, लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर एट्सेट्रा इन दिल्ली, नालंदा एंड बोधगया इन बिहार। तो यहाँ पर जो है टूरिस्टों के इंटरेस्ट के लिए, टूरिस्टों की अभिरुचि के लिए, टूरिस्ट अर्थात पर्यटक जो लोग घूमने आते हैं, तो यहाँ पर पर्यटकों के इंटरेस्ट के लिए कई प्रसिद्ध स्थल भी हैं, कई प्रसिद्ध जगहें हैं। कौन कौन सी वो जगहें हैं? जैसे पंजाब में गोल्डन टेम्पल, हरियाणा का कुरुक्षेत्र, और उत्तर प्रदेश में ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, और दिल्ली में बिरला मंदिर और लोटस टेम्पल, और इसके अलावा बिहार में बोधगया मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि। ये सब चीज़ों जो है पर्यटकों को बहुत भाती हैं, ये चीज़ें बहुत आकर्षक, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, जिससे यहाँ पर कई वर्ष लाखों दर्शक घूमने आते हैं, प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों लोग घूमने यहाँ पर आते हैं। These are some places which attract a number of tourists here. तो वही बताया गया है कि ये सब जो है बहुत आकर्षक स्थान होते हैं, और ये कई टूरिस्टों को, बहुत से टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
यहाँ पर देखिए गोल्डन टेम्पल दैट लाइज इन पंजाब, ताजमहल और बोधगया, ये सब देखिए जो टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पर शो किए गए हैं फिगर माध्यम से, आप इसे देख सकते हैं। द पीपल ऑफ दीज प्लेन्स रिलीज टू ईट फूड लाइक मक्का की रोटी, सरसों का साग, तंदूरी रोटी, आगे नान, रुमाली रोटी एंड स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, संदेश, ईटीसी। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो कई तरह के भोजन को करते हैं, भोजन को जैसे मक्का की रोटी, सरसों का साग, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी और मिठाइयाँ जैसे कि रसगुल्ला, सैंडविच इत्यादि, यहाँ के लोग रहने वाले लोग इन सब चीज़ों को खाते हैं। इन साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल, यानी साउदर्न वेस्टर्न वेस्ट बंगाल के पश्चिम भाग, बंगाल के दक्षिणी भाग में साउदर्न पार्ट में जो है फिश और राइस यानी मछली और चावल वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड यानी प्रमुख भोजन है। यहाँ पर देखिए तंदूरी रोटी, नेम एंड रसगुल्ला, ये सब जो मिठाइयाँ यहाँ पर शो की गई हैं। हम आगे चलते हैं। हाउसेस इन दीज प्लेन्स यूजली आर टू टाइप, हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हाउसेस पाए जाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कच्चा एंड पक्का हाउस, कच्चा घर और पक्का घर। हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में, हमारे क्षेत्र में उत्तरी मैदान में दो प्रकार के घर पाए जाते हैं, कच्चा घर और पक्का घर। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस व्हाइल पक्का हाउसेस आर मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी जो कच्चा घर होते हैं कच्चा हाउस, ये मुख्य रूप से गांवों में विलेजों में पाए जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं झोपड़ियाँ वगैरह, और जो पक्का हाउस होते हैं पक्के घर होते हैं ये मुख्य रूप से नगरों और शहरों में पाए जाते हैं। इन असम पीपल बिल्ड वुडन हाउसेस ऑन सिल्ट्स बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लोट्स इन दोज एरियाज, यानी असम में अत्यधिक बाढ़ के कारण वहाँ के लोग जो हैं लकड़ी के ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं जो कि बैम्बूज पर जो है स्थित होते हैं, उन घर को हम जो है सिल्ट हाउस कहते हैं। वहाँ के लोग सिल्ट हाउस क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो एरियाज हैं वहाँ पर प्रायः बाढ़ आती रहती है, तो इसीलिए उस बाढ़ से बचने के लिए वहाँ के लोग जो है लकड़ी घर बनाते हैं जो कि बैम्बूज पर काफी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। आगे देखते हैं। वुमेन इन नॉर्दर्न प्लेन्स वियर साड़ी, सलवार कमीज, चुंदरी, चूड़ीदार कुर्ता एंड लहंगा कुर्ता, यानी यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तरी मैदान में रहने वाली औरतें साड़ी, सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ता और लहंगा कुर्ता पहनती हैं। यहाँ की स्त्रियों का जो पहनावा है वो साड़ी, सलवार कमीज और कुर्ता, जैसे लहंगादार कुर्ता, चूड़ीदार कुर्ता होता है। मेन वियर कुर्ता पैजामा, लुंगी कुर्ता, धोती कुर्ता और ट्राउजर्स विद शर्ट, यानी यहाँ के जो मेन होते हैं आदमी लोग होते हैं वो लोग कुर्ता पैजामा या लुंगी कुर्ता या धोती कुर्ता या फिर शर्ट पैंट इत्यादि चीज़ों को पहनते हैं। इन असम पीपल वियर ट्रेडिशनल लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड मेखला विद अ रिहा एंड शॉल कॉल्ड चादर, असम में रहने वाले लोग जो है अपने परंपरागत वस्त्रों को पहनते हैं, अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को पहनते हैं जिन्हें हम मेखला कहते हैं, और ये मेखला जो है इनमें एक रिहा और एक शॉल होती है, मतलब जो मेखला वस्त्र होता है उसमें वे लोग क्या पहनते हैं, एक रिहा और एक शॉल, और जो शॉल होती है उसे हम चादर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में अलग अलग लोगों के, मेंस के, वुमेन्स के, या असम में रहने वाले लोगों के, या और भी डिफरेंट रीजन में रहने वाले लोगों के जो पहनावे हैं वो अलग अलग होते हैं। हियर वी हैव इन किट नॉलेज, बिहार इज ब्लेस्ड विथ फर्टाइल लैंड एंड रिच मिनरल डिपोजिट्स, येट द पीपल आर पुअर,
बिकॉज फ्लूड्स आर कॉमन हियर विच काजेस ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी बिहार जो एक स्टेट है, बिहार जो है वहाँ पर बिहार को उपजाऊ भूमि और कई सारी खनिज पदार्थों से भरे होने का उसे वरदान मिला है। यानी बिहार में जो हम जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है और वहाँ पर जो है काफ़ी भारी मात्रा में मिनरल डिपॉजिट खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो है बहुत गरीब होते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है प्रायः बाढ़ आया करती है, जो जिससे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी की यानी धन की और लोगों के जान की काफ़ी हानि होती है। यानी यहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, मिनरल डिपॉजिट या फर्टाइल लैंड, लेकिन प्रायः बाढ़ आने के कारण यहाँ पे जान माल की काफ़ी तबाही होती है और इस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी गरीब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स स्पीक लैंग्वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट दे लिव। यानी नॉर्दर्न माउंटेन में उत्तरी मैदान में रहने वाले लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं और यह उस पर आधारित होता है कि वे लोग किस राज्य में रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में कई सारे राज्य पाए जाते हैं और इन राज्य में रहने वाले लोग अपने राज्य के अनुसार ही अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। इन पंजाब पीपल स्पीक पंजाबी एंड हिंदी, इन हरियाणा पीपल मेनली स्पीक हरियाणवी, इन उत्तर प्रदेश पीपल वाइडली स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, एंड इन दिल्ली पीपल स्पीक हिंदी इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी, इन बिहार पीपल स्पीक हिंदी भोजपुरी मगधी एंड उर्दू, इन आसाम पीपल स्पीक असमी, इन त्रिपुरा पीपल स्पीक बंगाली मणिपुरी एंड पोकबोरक, एंड इन वेस्ट बंगाल पीपल स्पीक बंगाली।